स्विफ्ट है 2018 मॉडल, ऐसे 2022 मॉडल है गाड़ी, मगर इसके अंदर फिटमेंट जो भी सामान लगते हैं वैसे 18 के लग जाते हैं, इसलिए 2018 बोला जाता है। इसके अंदर पावर विंडो और सेंट्रल लॉक इंस्टॉल करेंगे, और जो भी वायरिंग होगी मैं आपको बताऊंगा कैसे वायरिंग करनी होती है और क्या क्या होता है इसके अंदर। हम एंड्रॉयड भी लगाएंगे, वो भी दिखा दूंगा कि एंड्रॉयड ये लगाया है हमने, जो भी सामान लगेगा। ये स्विच है, चारों डोर की स्विच है, और ये इसके बाद क्या है, इस तरह से स्विच आता है। वायरिंग मैं दिखाता हूँ, 4 डोर की वायरिंग है, ठीक है, मतलब पावर विंडो की वायरिंग है। ये मेन जैक है जो मतलब दरवाजे में जाता है, और इसके अंदर जो कपलर टू कपलर की फिटिंग होती है, कलर टू कलर जोड़ना, कोई भी तार जोड़ना कलर टू कलर। और ये भी देखो चारों दिख रहे हो, और इसके अंदर एक बड़ी तार आती है जो कंडक्टर साइड जाती है और लेफ्ट साइड जाती है, तो उसके कलर के मैच के हिसाब से ये जैक बना लेना दरवाजे के वाले। और प्लस का ये मोटी वाली तार होती है लाल वाली, और ये जो आप लाल वाली मोटी तार देख रहे हो करंट की वायर है, और ब्राउन तार जो होती है इसके अंदर इग्निशन की तार होती है जो पहले नंबर पर लगी है, और ऑरेंज की तार जो होती है वो लॉक की वायर पर लगती है लॉक की। ये हमारी जो तार दिखा रहा हूँ मैं नीली हरी, ये तो हमारी जो है शीशे की है, जो मतलब अप की होती है और डाउन की होती है। और ये बैटरी टर्मिनल में मैंने फ्यूज़ लगाया है, ये देखो भाई इस तरफ से ऐसे लगाना होता है, चेकआउट कर सकते हो। ये अपने स्विफ्ट है, इसके जो भी नाम लिखा हुआ होता है ये बोल्ट खोलने पड़ते हैं। बोल्ट खोलने के बाद क्या है, इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके निकाल लेना, और बाहर से शीशे को ऊपर करके पेचकस फंसा लेना, उससे शीशा नीचे नहीं आता है। और अपनी कैंची लगाने के तरीका दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं, इस पर लिखा हुआ होता है सब कुछ। और ये निकाल लिया है, मतलब पेच निकाल दिए मैंने, फिर ये चारों 3 बोल्ट यहाँ पर है सामने, और ये किया है ये 2 ऊपर है, तो इस तरह से अपना खोलना पड़ता है। एक नीचे भी है, इसको भी खोलना पड़ेगा, तो जाके इस तरह से कैंची डालनी है, और डालने के बाद क्या है इस तरह से लगाना पड़ता है। कैसे डाली जाती है वो मैं दिखा दूंगा भाई, ये देखो ऐसे लगती है, ऊपर की साइड 2 होते हैं, नीचे की साइड 1 पेच लगाने का होता तरीका। और कैंची पावर विंडो की जो दिखाई दे रही है ना मोटर, उसको पलट के लगाना पड़ता है, और दोनों साइड देखो ये लगा दिया मैंने बोल्ट ऊपर की भी और नीचे की, देखो ठीक है, ये ऐसे लगेगा यहाँ इस दोनों कोने पे लगेगा, कोई बताएगा नहीं भाई, तो पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगी कैसे तार जोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। लाइक भी करना भाई, फॉलो कर देना ज़रूर, ठीक है। ये खुले, ये भी खुलेंगे, बहुत हार्ड होते हैं, थोड़ी चोट मारनी पड़ती है तो खुल जाते हैं, और पेचकस से भी खुल जाते हैं प्लास लगा के भी। और नाम लिखा होता है, जो चीज़ जिस पर जो लिखा हुआ उसी की तरफ जाएगा, अंदर रियर का लेफ्ट है तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। स्विफ्ट 2022 है, तो इसके अंदर क्या है ऐसे सब खोलना पड़ता है, बड़ा इजी काम है, बस ये थोड़ा वायरिंग का ज़्यादा काम हार्ड होता है बस, ठीक है। और पीछे वाली जो कैंची है थोड़ी परेशानी होती है, जैसे कैंची आई है वैसी फिट करनी होती है, ये पिछली वाली कैंची देखो, ठीक है, और इसमें जैसे कैंची आ रही है वैसे ये तारें जो है ना पलटनी पड़ती है, ये मोटर की तार जो मोटर की पलटना ना कि किसी और चीज़ की। ये एंड्रॉयड भी देखो खोल रहा हूँ, इसको लगाने के लिए खोलने के लिए लगाना पड़ता है फ्रेम वगैरह, तो इसे खोला है, और ये वायरिंग है देखो, ठीक है, ये वायरिंग है ऐसे जैक, जो कलर टू कलर दिखा रहा हूँ भाई, तो परेशानी ना हो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही। जो भी तार है आपस में जोड़नी है ऐसे, तारें सिर्फ अपनी जो सेंट्रल लॉक की तार होती है उसमें टेप मार के खींचनी पड़ती है, रबड़ के बीच में से आसानी से निकल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। और जो मोटे वाला गुच्छा होता है उसमें भी तार टेप मार के 2-2 इकट्ठी खींच लेना, ऐसे निकल जाएगी। ये मोटर है सेंट्रल लॉक वगैरह, 4 डोर सेंट्रल लॉक है, ठीक है, 4 डोर सेंट्रल लॉक है। और इसके बाद क्या है, ये सायरन है, सब कुछ इसमें दिया है। और ये पिछली वाली दरवाजे की देखो कैसे फिटिंग हो रही है, तो ऐसी फिटिंग करना है आपने भी, कुछ अलग तरीके से नहीं करनी, बाकी चेक करना है पहले, एक प्लस माइनस की तार डाल लेना बैटरी से, और मोटर चेक करना अप डाउन करके सेटिंग करके, पीछे ही कुछ नहीं करना, ऊपर से शीशा आएगा, शीशा आने के बाद उसको फंसाना होता है, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं देखो उल्टा सीधा, और ये सेंट्रल लॉक की तार है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये इंडिकेटर वगैरह सब भी है, चेक करके लगाना है भाई। टेस्टर की लाइट होती है, सबसे पहले टेस्टर से चेक करना है, ये नहीं कि कलर देखना है ये करना है वैसे लगाना है, नहीं, टेस्टर से चेक करो, लगाने के बाद ही मेन जैक में चेक करना होता है कि भाई इसमें मैंने तार सही लगाई है नहीं लगाई। ये इग्निशन की तार है पीली वाली, ठीक है, हरी और नीली होती है इसमें।